राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में कर्नाटक के सीएम एस सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। पार्टी का मानना है कि यह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडलों का ही सहारा लिया है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक को लेकर हुई अनौपचारिक बैठकों में पूरे मामले पर गौर करते समय हाल ही में दिल्ली की राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत हुई। पार्टी में यह राय सामने आई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। सिद्धारमैया ने एमयूडीए मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। सिद्धारमैया ने कहा कि ईडी ने किस आधार पर केस दर्ज किया है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं है क्योंकि हमें जमीन के बदले जमीन मुआवजे के तौर पर दी गई थी। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति हुई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।